सो वेलकम बैक पोके ड्यूड्स, कैसे हो तुम लोग। आज हम लोग खेलने वाले हैं पोकेमोन लाइट प्लैटिनम। दोस्तों ये गेम मैंने एक बार पहले भी खेला है, लेकिन वो अपने चैनल पर नहीं खेला था। और हाँ, मैंने इसे कंप्लीट किया था पिछली बार जब मैंने इसे खेला था, तो इस बार मैं इसे अपने चैनल पर कम्प्लीट करूँगा, मतलब पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि इस साल टाइम तो मिलता नहीं ज़्यादा, क्योंकि स्कूल फिर उसके बाद भी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ती है। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट, एक महीना है उसमें जितनी हो सके उतनी वीडियोज़ डालूँगा। तो चलो ठीक है, अपना नाम हमने पीडक्सन डाल दिया है और अब हम लोग का गेम शुरू हो गया। चलो ठीक है, ये कहाँ, अच्छा हाँ ये स्टार्टिंग में कहीं सपना देख रहा होता है। हाँ ओके, यहाँ पे हमें आर्कियस, गिराटीना, पालकी और डियालगा दिख रहे हैं। इन लोग का कुछ विवाद चल रहा है भी लगता है। ठीक है, चिल्ला रहे हैं, फिर अटैक कर दिया आपके इस पे और फिर पावर दिखाया और कुछ तो हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है लेकिन कुछ तो हो रहा है। ठीक है ओके, हाँ नाइटमेयर ही होगा, हाँ नाइटमेयर ही था। क्या हम लोग पीसी एक्सेस नहीं कर सकते इसमें? अरे यार ये क्या बात होती है, वरना पोशन मिल जाता फ़ायदा रहता। ठीक है हाँ, प्रोफेसर जैस्मिन के पास जाना है ना, ठीक है सेंट्रल सिटी में। टाइम अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कितने बजे, 6 बजे, हाँ 6:30 कर देते हैं, यही चलो ठीक है यही है। ठीक है, मॉम नीचे रहेंगी एज ऑलवेज। ये क्या, ये कौन है? मैंने गेम काफ़ी पहले खेला था तो मेरे को भी याद नहीं, जैसे मेरे को हो गया टाइम जब चैनल एक्टिव था, मैंने उस टाइम खेला था और कंप्लीट करके छोड़ दिया था, 2 साल हो गए ऑलमोस्ट। अरे ये तो बहुत बढ़िया है। ठीक है, अब हमको वो कहीं ले जा रही है कावरी। प्रोफेसर जैस्मिन, हेलो पीटरसन। अरे यहाँ पे तो ऐश भी है यार। ठीक है, इंस्क्रिप्शंस, ठीक है भाई, अभी मैं ज़्यादा समय है नहीं मेरे पास, तो जितना हो सके उतने जल्दी गेम कंप्लीट करेंगे। और जैसे कि टेक्स्ट रीड करने की फॉर्मेलिटी हम लोग को पूरी करने ज़रूरी भी नहीं है, वैसे भी हम लोग को जिम बैच और चैम्पियन बनने से मतलब है। और ऐसी टीम बनाऊँगा ना इस बार, सब देखते रह जाएंगे, मज़ा आ जाएगा एकदम। ठीक है, वो लगता है हम लोग को अपने स्टार्टर मिलने वाला है। इसमें जो कांटो के स्टार्टर होते हैं, लिज़र्ड पोकेमोन, चारमेंडर, सीड पोकेमोन, वो टाइनी टर्टल, यार बल्बस और डुअल टाइपिंग है, पर चारमेंडर लेता हूँ भाई। चारमेंडर की बात ही अलग है यार, चारमेंडर इज सुप्रीम अबव ऑल भाई। कांटो स्टार्टर्स में चारमेंडर सबसे ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ चारिज़ार्ड। विनोसोर की स्पीड कम हो जाती है जब वो इवॉल्व हो जाता है, और फिर ब्लास्टोइस का तो फिर वो एक ही टाइप है तो इसको हराना बहुत आसान है। ठीक है, तो हमको अपना पोकेमॉन मिल चुका है जो कि है चारमेंडर, पहला पोकेमॉन हमारा मिल गया। इसका निकनेम हमको कुछ नहीं देना है। ठीक है, तो अब हम लोग लैब में आ चुके हैं, प्रोफेसर ओक के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, हम्म,
ओके, हमको पोके बॉल्स मिल चुकी हैं। फिलहाल तो मैं भी कोई पोकेमोन पकड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छी सी टीम बनाऊँगा एकदम सोच समझ के, कि मतलब ताकि हर टाइप बैलेंस्ड हो जाए और एक बैलेंस टीम बने, जिससे हम लोग को किसी भी ट्रेनर या जिम लीडर को हराने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, वर्मपल यहाँ पे। ये वर्मपल यार, ये बग टाइप पोकेमोन से मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। मैंने इसलिए चार्मेंडर लिया, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे फॉरेस्ट वॉरेस्ट आ गए और ये सब ऐसी जगहों पे ना, जहाँ पे मतलब ग्रास, यहाँ पे बग टाइप पोकेमोन बहुत मिलते हैं, और बग टाइप पोकेमोन भाई वाटर और ग्रास से नहीं हारते हैं, उनमें बहुत टाइम लगता है। इसीलिए चार्मेंडर मतलब फायर टाइप स्टार्टर्स बेस्ट होते हैं भाई। हालांकि पहले जिम में जैसे कि ट्यूटर सिटी जिम हो गया, वहाँ पे काम नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी बाद में वो काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं। ठीक है, तो भाई इसने एक बार मेरे को हरा दिया था, मैंने इसको वापस हरा दिया है, अब मैं इसे हराऊंगा। ठीक है, इसके पास पूछिए ना, मेरा चार्मेंडर उसको हराते रहते भाई, इतना उसने हराया, मतलब एक ही बार हराया, लेकिन उसके पास चार पोकेमोन थे भाई, तो मेरा पोकेमोन काफ़ी मतलब लेवल अप हो गया, 11 का हो गया शायद, इस एपिसोड में इवॉल्व भी हो जाए चार्मेलियन में, 16 पे होता है इलेक्ट्राइक। ठीक है, सब एक एक हमले में निपट रहे हैं, मेरा फ़ायदा ही है, टाइम बच रहा है, वरना ऐसे ट्रेन कराने में बेफालतू अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। इस बार सोचो अपनी टीम को इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमोन भी रखना चाहिए, क्योंकि फ्लाइंग और वाटर एंड आइस के हिसाब से चार्मेंडर से कुछ करेगा तो इलेक्ट्रिक टाइप रखना फ़ायदेमंद रहेगा। देखते हैं आगे, अगर हमको कोई एलिकेट मिलता है उसको पकड़ लेंगे और उसको इलेक्टिवायर में इन्वॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ओके, यहाँ पे हमको कोई दिखा है, देखते हैं इसे बात करके। ठीक है चलो, ये तो भाई ऐसे ही ज्ञान बता रही है। ओके, तो हमको थीफ मिलेगा TM-46, इससे हम लोग बेरीज चुरा मतलब बेरीज ले सकते हैं, मतलब एक तरह से चुराना ही हुआ, लेकिन गेम में इसको लेना ही कहेंगे। ठीक है, यहाँ एक और ट्रेनर, इसको भी हरा देंगे लगता है, बग टाइप है भाई, ये जो भी टोपी वाले दिखे ना, मतलब ये बग वाले हैं भाई। ठीक है भाई, इसके इसके हर एक पोकेमोन को मैं एक हिट से हरा दूंगा। ठीक है, बिनिपीड ये भी हार जाएगा अभी। भाई हो सकता है यार इस बार मेरा पोकेमोन इसी एपिसोड में शायद इवॉल्व हो जाए। ओके, मेटापॉड एम्बर भाई, बाय बाय। चलो भाई, 14 का हो गया चार्मेंडर। ठीक है, ये सब भी हार ही गए, इसके पास कोई पोकेमोन तो नहीं बचा ना। ठीक है, हार गया, 80 पोके डॉलर। ठीक है, हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल सिटी में, और ये हम लोग शायद सबसे पहले पोकेमोन सेंटर जाना पड़ेगा, वहीं मिलेंगे प्रोफेसर हूँ भाई। हटना यार, ये बहुत दिक्कत आती है इसमें। ओके, यहाँ हम लोग पोकेमोन सेंटर पहुँच चुके हैं, हील कर लेते हैं। तो यहाँ नर्स जो ने हमारा पोकेमोन ले लिया और ये हील कर दिया। ठीक है चलो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, प्रोफेसर ओक के पास जाना है, तो शायद से हाँ यहीं से कोई रास्ता होगा हम लोग को मिलेगा यहाँ पे। हाँ, जैसे ये रास्ता है, मैं भी कोई बैटल्स तो करना नहीं, अरे यार थोड़ा घूम के निकल लेता सही रहता। खैर कोई नहीं, यहाँ अभी फ़िलहाल तो ऐसा कोई नहीं है जो हम जिससे हार सकें, उसको फेंट जाना चाहिए। हाँ ठीक है, मैं सोचो इस बार अपनी टीम में एक स्टारली रख ही लूँ, क्योंकि देखो भाई स्टारली जो है ना, वो स्टारेविया फिर उसका स्टारैप्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहता है। स्टारैप्टर के लुक्स जितने बढ़िया हैं, वो उतना पोकेमोन भी उतना ही बढ़िया है। मैंने पिछले गेम से जैसे कि मेटा मैंने थेटा एमराल्ड में रखा था, और हाँ शायद मैंने जब लाइट प्लैटिनम खेलते पुराना तब भी मैंने स्टारैप्टर रखा था, काफ़ी बेनिफिशियल साबित हुआ था। मैंने आज तक स्पीरो शायद कभी नहीं पकड़ा भाई, किसी भी गेम में नहीं पकड़ा स्पीरो, पता नहीं क्या दुश्मनी है मेरे को स्पीरो से। ठीक है चलो, कोई नहीं, मतलब हरा दिया है हम लोगों ने, और यहाँ एक ऑर्डर नहीं, इसको हम लोग अवॉइड कर देंगे। ओके, यहाँ पे हम लोग को प्रोफेसर ओक के साथ भाई, ये तो गोल्ड है। अरे अरे, ये फीबस यहाँ क्या कर रहे हैं? ओके, ये इसने पकड़ लिया है,
ठीक है, पकड़ने जा रहा है। ठीक है, तो इसने भी एक पकड़ लिया है, पर मैं भी एक फ्यूज पकड़ लूँ क्या? मालोटिक में इवॉल्व होता है यार, लेकिन फिर अब वही बात है कि वॉटर टाइप पोकेमॉन्स मेरे को कुछ खास पसंद नहीं है। इसको मैं नहीं पकड़ने वाला हूँ, 3 लेवल का है, इसको लेवल अप करने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो चलो इसको वापस हम लोग घर आके, हाँ एक मोम से हार गया बस। ओके, अब येलो टर्न हम लोग को वापस जाना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं वापस। तो ठीक है, ये हम लोग आ गए येलो टाउन। तो अब शायद हम लोग को हाँ लैब में जाना है, वहाँ पे फिर प्रोफेसर रोक आएंगे और हम लोग को कुछ तो बताएंगे शायद चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए। हाय प्रोफेसर, वेलकम टू माय लैब। ठीक है चलो। अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे इन लोग को जो रिसर्च की बातें चल रही हैं, हम लोग अभी फिर लीग के लिए शायद हम लोग रजिस्टर हो चुके हैं। हाँ ठीक है, तो फिलहाल गाइस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।